हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। एटा होची लेक्चर नंबर 7। एथिरे आमे डिस्कशन करिबा, प्रीवियस वीडियो रे मु कहितली आज डिस्कशन करिबा इक्विवेलेंस रिलेशन। तार स्टेटमेंट आमे डिस्कशन करिबा रिलेशन कौन एंड रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स केमिति आमे बाइनरी रिलेशन बाहर करू से विषय रे मु प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन कर सारिछि। आपण माने लेक्चर नंबर 5-6 को जाएंगे भल भाव देखिए, से कंप्लीटली मो रिलेशन एंड बाइनरी रिलेशन विषय डिस्कशन कर। एबे चलो तो देखिबा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एटी आर होची गोटे बाइनरी रिलेशन, कहार गोटे सेट्र कार्टेशियन प्रोडक्टर। बिकज आम जाने जो बाइनरी रिलेशन हम सी गोटे सेट्र कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ही सबसेट हम। जदि ए लाइक ए एलिमेंट्स ये गोटे सेट है 1, 2, 3 तो ये ए क्रॉस ए माने सेम सेट रो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो ये जो आर हम सी ए तार कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ही रहिबो ए सेट रो, ठीक अच्छे। तो यही आर को आम से इक्विवेलेंस रिलेशन कहवा जितेबले ये तीन टा कंडीशन को सैटिस्फाई कर। फर्स्ट कंडीशन हूँ कौन, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन कौन, सेकेंड हूँ सिमेट्रिक एंड थर्ड हूँ ट्रांजिटिव। यही तीन टा कंडीशन जदि गोटे बाइनरी रिलेशन सैटिस्फाई करुच्छी आम से बाइनरी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहिबा। एग्जांपल्स देखंतु, द रिलेशन पैरेललिज्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गोटे प्लेन रे जदि तीन टा लाइन को आम पैरेलल हिसाब से लिखिबा, ये गोटे प्लेन, ये गोटे प्लेन, ओके, यहाँ भी गोटे पेपर टा भी गोटे प्लेन, ताधरे आम जब तीन टा लाइन को भी पैरेलल रे आम रखा ताहले सीए लाइक L1, L2, L3 ये जब आम रखा ताहले ये मध्य इक्विवेलेंस रिलेशन रो गोटे एग्जांपल्स। एबे चलो देखिबा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कौन। द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। इट्स कौन कहूँ कि जदि गोटे सेट्रे बाइनरी रिलेशन ये आर आपको आम से एंटीसीमेट्रिक रिलेशन ए रिलेट कर बी को एंड बी रिलेट कर ए को, ताहले ए इक्वल्स टू बी हम। बट सिमेट्रिक रिलेशन रे आम कौन कहते ना जदि ए रिलेट कला बी को देन बी रिलेट कर ए को फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक रिलेशन मु प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन कर सारी, आपण जाइकि प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 को जाइकि देखिकी सेठी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को आपण भल भाव बुझिपारे। एग्जांपल्स कहिछि, द रिलेशन इज ए सबसेट ऑन द सेट इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। गोटे सबसेट को आम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन भी कहीपर बिकज जदि ये ए आउ बी भितर ए बी सबसेट हूँ एंड बी ए रो सबसेट होउची, ए दीटा केसेस रे आमे ए इक्वल्स टू बी कहिबा। देखंतु एठी आमे लेस देन इक्वल्स टू को भी गोटे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहि परिबा, बिकज जदि ए लेस देन इक्वल्स टू बी हला एंड बी लेस देन इक्वल्स टू ए हला, सो फॉर दिस प्रॉपर्टी ए इक्वल्स टू बी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी an irreflexive relation if a related to a for some a belongs to a। examples de dekhiba, a is equals to 1 2 3 hele r is equals to a comma a yode pair achi for all a belongs to a। r1 dekhiba eti 1 1 2 2 and 3 2। एठी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आम कौन करुले ना सेम पेयर रहा आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी एलिमेंट रोटे सेट्रे। ये कौन हो देखु ए दुटा पेयर सामान रोच सेम भैल्यू रोच भी सेम भैल्यू रोच किंतु एटी डिफरेन्ट भैल्यू रोच, तो आपको आम कह इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।
A relation R on a set A is said to be partial order if it is reflexive, antisymmetric and transitive. आमे equivalence relation रे आकु reflexive, symmetric and transitive प्रूव करथिले किंतु एठी partial order रे एठी symmetric बदल रे एठी antisymmetric relation को ये exist करथिबा दरकार. देन आमे से binary relation को partial order relation कहिबा. चलंतु गोटे छोट एग्जाम्पल्स रु एटा को बुझिबा. एठी आमे सबसेट को मध्ये गोटे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहुचे बिकज एठी कहिची जदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हैला एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए हैला देन ए इक्वल्स टू बी हबो. ठीक अछि ताले सबसेट टा भी मध्ये गोटे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन एंड लेस देन इक्वल्स टू मध्ये एठी गोटे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जहाँ आम प्रीवियसली डिस्कशन कले. तो एठी सबसेट रे देखंतु एठी सबसेट रे मध्ये ए इज अ सबसेट ऑफ ए हि परिबो ताले ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हला एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आम डिस्कशन कले. ट्रांजिटिव रिलेशन रे देखंतु एठी कहूची कोन ना जदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हला एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी हला देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी हबो. ठीक अछि केमिति ना आम याकू भेन डायग्राम रे मध्ये बुझी पारिबा. एठी कहूची कोन देखंतु गोटे अछि एठी सी अछि ये गोटे हूँ सी सेट ता भितर रहिला बी सेट ता भितर रहिला ए सेट ताले जदि ए बी रो सबसेट हला बी जदि सी रो सबसेट हला ताले ए सी रो मध्ये सबसेट हबो. ठीक अछि ना बिकज एठी सी रो फैमिली मेंबर मध्ये ए एठी ए मध्ये सी रो फैमिली मेंबर बी तार फैमिली मेंबर एंड सी होउची एठी सबटर बडो फैमिली मेंबर. तो से ए कंडीशन को हमें बेस करेंगे हमें ठीक कहेंगे सबसेट मध्य एठी कोटे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. चलन तो टोटल ऑर्डर रिलेशन और डेफिनेशन को बुझी दवा. रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी टोटल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन. ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होतिबो एंड सिमेट्रिक भी होतिबो. देन से बाइनरी रिलेशन को हमें टोटल ऑर्डर रिलेशन कहिबा. तार डेफिनेशन को एटा मन रखिबे एटा एग्जाम रे भी मोस्ट ऑफ द टाइम पडुची. ई भली आपण जति के सब डेफिनेशन अछि ना आपण टिके टिके ताको देखि जाइतिबे सेटा एक मार्किया रे प्राय एगुडा पडे. चलंत एटी डिवाइड्स को देखिबा. डिवाइड्स कोन कहूची जदि ए बी दिटा इंटीजर हेले आउ ए बी ठारु सानो हेला लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड विथ ए लेस देन बी देन वी कैन से दैट ए डिवाइड्स बी. जदि बी ठारु ए सान होउजी ताहले ए डिवाइड करि परिबो आ बी को आमे कोन कहि परिबा ना बी को कहि परिबा बी इज आल्सो डिविजिबल बाय ए. जदि ए बी को डिवाइड करूची ताहले बी को बी मध्य ए द्वारा डिविजिबल होउची. ताको आमे लिखि परिबा केमति ए डिवाइड्स बी एंड बी इज डिविजिबल बाय ए एंड ताको लिख पारे. इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू ए के व्हेयर के इज एन इंटीजर. बी को आम केमती कही पार ना बी होची ए रो किसी गोटे मल्टीपुल जो जो मल्टीपुलटा किसी गोटे इंटीजर होटा को एग्जांपल्स नहीं कि बुझेगा तेल देखु एटी टू आउ सिक्स दीटा जाक इंटीजर. ठीक अच्छा ना आठ टूटा सिक्स ठारु मध्य सान एटी मनेकर एटा ए मनेकर एटा होची बी ताले एटा बी ठारु मध्य सान ताले एटी जदि ए डिवाइड्स करूची बी को दैट मीन्स एटी जदि टू डिवाइड करूची सिक्स को दैट इम्प्लाइज आको हमें एंती स्टैंडर्ड मेथड लिखिबा सिक्स बाय टू इज इक्वल्स टू थ्री एंड दैट इम्प्लाइज सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री इंटू टू. एटी के रैल्यू के रैल्यू हूँ के रैल्यू हूँ थ्री बिकज ये ए रैल्यू आमको गिभेन अच्छे टू सो आर जो मल्टीपल है ये टू इंटू थ्री बट थ्री इंटू टू तो ये थ्री हूँ गोटे इंटीजर से तो आम ये कहले ना कि बी इज इक्वल्स टू ए के मान ए रिच्छ गोटे मल्टीपल हो एंड से मल्टीपलटा इंटीजर होमती कि आप देखिपुर इजिकल्स टू के इजिकल्स थ्री इज एनी इंटीजर.
चलंतु एबे वेल ऑर्डरिंग रो डेफिनेशन को बुझिबा। इटा मोस्ट प्रोबेबली एक मार्किया दुई मार्किया एग्जाम रे प्रत्येक वर्ष पढ़ुची, 2021 रे मध्य पढ़ीथिला, 2022 रे मध्य पढ़ुची या परे क्वेश्चन। तेणु आपण आको डेफिनेशन अकॉर्डिंगली आको भलसे मन रखिकी जाइथिबे, ई बहुत बहुत इंपोर्टेंट। वेल ऑर्डरिंग सेट बा वेल ऑर्डर सेट कहा को कहा जाए, डेफिनेशन कहूँगी गोटे ओपन ब्रैकेट रे देजे एठी ए कमा लेस देन इक्वल्स टू इज ए वेल ऑर्डर सेट इफ इट इज पार्शियल ऑर्डर सेट और पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट और आपको हमें कहवा पोसेट, सच दैट लेस देन इक्वल्स टू इज ए टोटल ऑर्डर एंड एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ई हैज ए लिस्ट एलिमेंट। तमाने से कहूँ गोटे नॉन एम्प्टी सेट, गोटे जदि सेट रे नॉन एम्प्टी मीन्स ता भितर किछ ना किछ एलिमेंट अछंती। तो मन कर जदि गोटे सेट रे एलिमेंट अछि लाइक 1 2 3, आर सबुठ लिस्ट एलिमेंट मीन्स सबुठ सान बा सबुठ छोट एलिमेंट कोटा, ताले सबुठ स्मॉल एलिमेंट कोटा 1, तो सेटा ही से कहूँ आम आपको केमती अरेंज करचे 1 एठी लेस देन इक्वल्स टू नहीं जीवा, एठी लेस देन इक्वल्स टू नहीं जीवा। तो ये हला ना ए वेल ऑर्डर हला, एठी 1 एठी लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, एटा को आम गोटे वेल ऑर्डर सेट कही पार। ठीक अच्छे, चलत कंग्रेन्स मॉडुलो बा एन जोटा अच्छी आपरे आम टे डिस्कसन करदे, ये मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 2 रो पाठ, किंतु आर किसी पोर्सन अच्छी तो मिसे मासिक ओवरऑल पढ़े कोठी क्वेश्चन रे तो यूनिट लिखा ही न था। तेणु आम कंग्रेन्स मॉडुलो कौन ये फास्ट पढ़ा, तार डेफिनेशन को बुझा। देखो डेफिनेशन फास्ट कौन कि लेट ए कमा बी बिलंग्स टू जेड, जदि ए बी दुटा इंटीजर होते एंड एन बिलंग्स टू जेड प्लस, जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर आप जानते पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ये अच्छी किंतु फ्रैक्शन नहीं, बुझेला। इंटीजर डेफिनेशन कौन, ये पॉजिटिव हो पार नेगेटिव हो पार जीरो हो पार किंतु फ्रैक्शन हेनी बा पी पी बाय क्यू फॉर्म रही आम इंटीजर कही था, ताको हमें सेकेंड यूनिट रे पढ़ीबा। बी ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये होची गोटे फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर किए ना एनटा, एन होची गोटे फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर से जेड प्लस रे रहिबो। देन वी से दैट ए इज कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन, आमे ए को केमती लिख परिबा ना ए इज कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन इफ एंड ओनली इफ दैट एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ताहले आमे तो केमिति मैथमेटिकल लिखुचे ए कंग्रुएंस टू ए जो तीनटा आप गार देखुं ना पारालाल है कि आको कंग्रुएंस कह जाए, ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन बा मॉड एन, जेते बड़े एनटा ए दीटा एलिमेंट रो बा ए दीटा इंटीजर रो डिफरेंस को डिवाइड करुथिबो, से एनटा ए ए आउ बी रो डिफरेंस को डिवाइड करथिबो, सेतेबेले आमे ताको कंग्रुएंस मॉडुलो बेले कि कहिथाउ। गोटे एग्जांपल स्टडी देखंतु, 100 कंग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 33, कोन कहूची 100 कंग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 33, ए प्रॉपर्टीज द्वारा आमे जदि बुझिबा ताले एठी केमती लिख परबा ना एन एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एठी ए होउची 100 बी होउची 1, ताने आम कमी लिखिपर ना 33 डिवाइड्स 100 माइनस 1 दैट इम्प्लाइज 33 डिवाइड्स 99, एटी 33 99 को डिवाइड करुची। ठीक अच्छे ना 33 into 3। ओके एबे चलंतु गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा, कंग्रुएंस मॉडुलो इंटीजर रो सबुठ इम्पोर्टाट क्वेश्चन, जितेबाला आम इंटीजर को आम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करी था। ये होची तार क्वेश्चन 4 पैटर्न्स रे लिखी, देखंतु फर्स्ट लिखी द रिलेशन ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होची द कंग्रुएंस मॉडुलो ऑन सेट ऑफ एन इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सेकंड। थर्ड नंबर कहूँ एटा होची गोटे इक्विवेलेंसी सिंबल इज इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट ए इज
डिवाइड टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड गला लास्ट नंबर देखिबा प्रूफ दैट द कंग्रुएंस मॉडुलो इन ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाय ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो इन इट डबल इंप्लाइज ए माइनस बी ए डिफरेंस बी इज इज डिविजिबल बाय एन। तो चारिटा डेफिनेशन देला स्टेटमेंट देला जो भी स्टेटमेंट पढ़ी था कहीं एग्जाम आपन गोटे ही प्रूफ करार आर प्रूफ हूँ कंग्रुएंस मॉडुलर रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन सो वी हैव टू प्रूव दैट। सो नाउ वी विल प्रूव दिस थियोरम। सो टू प्रूव दिस थियोरम व्हाट वी हैव टू शो इक्विवेलेंस रिलेशन तीन टा कंडीशन को मु कौन कही फर्स्ट कंडीशन हूँ रिफ्लेक्सिव सेकेंड होची सिमेट्रिक थर्ड होची ट्रांजिटिव यही तीन टा कंडीशन को आम जदि शो करूचे देन आमर इंटीजर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो पार। तो से कंडीशन को आम वन बाय वन एबे डिस्कशन करिबा। फर्स्ट कंडीशन आउची रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रे आम जानते कि सेम एलिमेंट रही दैट इज ए रिलेटेड टू ए हम तेणु आम एटी कौन कले ना एन एटी जेहेतु आम डिवाइड इंटीजर कथा कहचे तो एन डिवाइड्स जीरो दैट मीन्स एन डिवाइड्स ई माइनस ए दैट सेम जेहेतु आम एलिमेंट नहींचे एंड आम कहीचे कौन ना एटी इंटीजर जो ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन हम तार स्टैंडर्ड फॉर्म कौन रही ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन रो एन डिवाइड्स ए माइनस बी ये हम तेणु रिफ्लेक्सिव रिलेशन रे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आम कौन देखते ना ए रिलेटेड टू ए देखुले ठीक अच्छे तो ये ए आउ ए बा ए ए बिलंगस टू आर ए भी आम करते ये तो आम इंटीजर कथा होचे ना तो ये ए ए बिलंगस टू जेड। स्टूडेंट्स ये जो डबल इम्प्लिकेशन दिखाई जो जेड लिखाई ना ये जो नोटेसन दिखाई ये टाइप रो कौन पर एमती लिखा जाए जानते यटा को कह जाए ब्लैकबोर्ड जेड कारण ये नॉर्मल अल्फाबेट नुहे ये आपनो 26 जो अल्फाबेट देखुंट से नॉर्मल अल्फाबेट नुहे ये गोटे सेट को रिप्रेजेंट करुचे ये गोटे इंटीजर को रिप्रेजेंट करुचे तेणु आपको आम ब्लैकबोर्ड जेड कहूँ ठीक अच्छे। ये जो डबल नोटेशन ये टाइप रार दिया कि आप जो भी देखिए रेशनल नंबर हो रेशनल नंबर हो रियल नंबर हो ठीक अच्छे ये आम इंटीजर ही था कम्प्लेक्स नंबर ही था तो सबुठ आम जो डबल नोटेशन ये टाइप रार देखुचे ब्लैकबोर्ड सेट बोली कहुए। चलो एवं आम टॉपिक उपरको जीवा आम इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कशन करुले इक्विवेलेंस रिलेशन कौन कहे ना जदि ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन है तेल एन डिवाइड्स दैट दे आर डिफरेन्स अफ द टू इंटीजर तेल ये रिफ्लेक्सिव कथा कहि देन ए माइनस ए र। सो एठी ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन बिकज एठी एन डिवाइड्स जीरो होची एठी लिखिपर ए कंग्रुएंस टू ए मॉड एन दैट मीन्स एन टा आपको डिवाइड करी परिबो जीरो को ओके। सो दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव ये आर को आम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कले एवं चलत प्रूफ करवा आर इज सिमेट्रिक है सिमेट्रिक देखिले गिवन ए रिलेटेड टू बी दैट इज ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन आम सिमेट्रिक रे कौन प्रूफ करुले कि जदि ए रिलेटेड टू बी हला इट इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए हम यटा थी आम सिमेट्रिक रो कंडीशन इट इंटीजर कहे ए कंग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन और इट कैन बी रिटर्न एज एन डिवाइड्स देयर डिफरेंस दैट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन एंड क्लीयरली आम जानचे जदि ए माइनस बी एन द्वारा डिविजिबल हम देन तार इनवर्स एन द्वारा डिविजिबल हम ठीक अच्छे ना नहीं आम सपोज ये गोटे लाइन अच्छे इंटीजर ये अच्छे जीरो एपटे अच्छी वन एपटे अच्छी माइनस वन गोटे नंबर जदि एपटे अच्छे टू एपटे अच्छे माइनस टू जदि गोटे नंबर लाइक सिक्स जदि ये टू द्वारा से डिविजिबल हो
ताले माइनस टू द्वारा भी डिविजिबल हबो ठीक अछि ना देन एटि सेम कहिला कि ए माइनस बी यदि एन द्वारा डिविजिबल होउछि देन तार इनवर्स मध्य डिविजिबल हबो देन सिमिलरली ए माइनस बी जदि तार इनवर्स लगेबा बा माइनस त पछरे गुणिबा देन सी हे जइबो बी माइनस ए व्हिच इज आल्सो डिविजिबल बाय एन ओके एबे नेक्स्ट देखिबा सिमेट्रिक सिमेट्रिक गला एबे देखिबा ट्रांजिटिव तो ये सिमेट्रिक रो किछि लास्ट टू काम को लेखिबार थिला एटा लेखि देबे देन आसीबा ट्रांजिटिव ऊपर चलन तो ट्रांजिटिव रो प्रॉपर्टी कोन कहू छी देखिबा हम को ट्रांजिटिव हम जते इक्विवेलेंस रिलेशन करथिले हमर ट्रांजिटिव रो स्टैंडर्ड फॉर्म कोन थिला हम आउ थरी मन पके दउ छी यदि ए रिलेटेड टू बी हला एंड बी रिलेटेड टू सी हला इट इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी हबो ये हमर थिला स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट जहाँ भी सेट अछि ए सेट ही एटी सेट कोन अछि इंटीजर एटी सेट गोटे इंटीजर आमे एथि ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करिबा सो दैट हमको इंडिविजुअली सब को लिखिया को पड़िबो ए रिलेटेड टू बी लिखिले ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एन ताहले आमे ताको लिखिले केमति इट इंप्लाइज दैट एन डिवाइड्स ए माइनस बी दैट इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन के वन आमे डिवाइड्स रे एटा बुझी दिले ऑलरेडी ठीक अछि व्हेयर के वन बिलोंग्स टू जेड एटी के वन किछि गोटे इंटीजर तो ताको आमे इक्वेशन वन देले नेक्स्ट देखिबा बी रिलेटेड टू सी बी रिलेटेड टू सी को आमे लिखिले एटी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रे बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मॉडुलो एन ताको लिखिले एन डिवाइड्स बी माइनस सी एंड बी माइनस सी इज इक्वल्स टू एन के टू एटी के वन रखिले एटी के टू रखिले व्हेयर के टू इज एनी इंटीजर ताको इक्वेशन वन आउ इक्वेशन टू देले देन आमे कौन करिबा ना दुटा इक्वेशन को आड करिबा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आम पाखे जो इक्वेशन दुटा थिला आम पाखे इक्वेशन कौन थिला आम पाखे फर्स्ट इक्वेशन थिला ए माइनस बी इज इक्वल टू एन के वन ये थिला एंड सेकेंड कंडीशन कौन थिला ना बी माइनस सी इज इक्वल टू एन के टू दुटा को आड करिबा दैट इम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एन के वन प्लस एन के टू दैट इम्प्लाइज एठी नेक्स्ट आम एठी बी माइनस बी प्लस बी को कैंसल आउट कर देले एठी हला माइ ए माइनस सी इज इक्वल टू एन के वन प्लस एन के टू दैट इम्प्लाइज आपको आम लिख पार एन कमन ने रखिले के वन प्लस के टू तो ये केते हे जीवो एन के सहित समान हे जीवो बिकॉज एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर प्रॉपर्टीज कौन एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर सो से प्रॉपर्टीज को बेस करेगी ताहले ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एन हेन्स एटी आम को ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एन के मिलला दैट मीन्स एन एन डिवाइड्स ए माइनस सी दैट इम्प्लाइज एन डिवाइड्स ए माइनस सी ठीक अच्छे दैट इम्प्लाइज आम कमी लिखिपर ना ए कंग्रुएंस टू सी मॉड एन एटी आम प्रूव कले कौन ना गोटे ट्रांजिटिव रिलेशन ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड एटी आम पूरा प्रूव कर देले गोटे सेट अप गोटे इंटीजर यदि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीन टा कंडीशन को सैटिस्फाई करुची हेन्स इट इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन देन आपरे आम किसी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कशन करिला परे वी हैव टू मूव टुवर्ड्स फंक्शन फंक्शन उपरको आम जीवा।